हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में लोप्रिन 75 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। लोप्रिन 75 mg टैबलेट का मुख्यतः उपयोग खून को पतला करने के लिए किया जाता है। आइए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। टोरेंट फार्मा कंपनी की ये 14 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 5 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। लोप्रिन 75 mg टैबलेट में एस्पिरिन 75 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एस्पिरिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक गुण होते हैं, जिससे दर्द में राहत मिलती है। यह प्लेटलेट को जमा होने से रोकता है, जिससे रक्तवाहिनियों से संबंधित समस्या होने की संभावना भी कम होती है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग सिर दर्द की समस्या दूर करने में, मोच और तनाव की समस्या दूर करने में, इसे गाठिया बुखार की समस्या दूर करने में डॉक्टर यूज करते हैं। इसे जुकाम, फ्लू और हार्ट से संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे खून को पतला करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, उस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या बड़ी हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। इसलिए आप इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस टैबलेट का डोज ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट सुबह एक बार और शाम को एक बार खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, अपचन, सिर दर्द, पेट दर्द, अल्सर ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन या टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। उस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।